खबर डबरा से मिल रही है, जहां गंगा वेयर हाउस पर किसानों का हंगामा हुआ है। पल्लेदारों द्वारा तुलाई नहीं करने को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। दो दिनों से खड़ी बिना तुले 60 से 70 ट्रॉली। पल्लेदारों का आरोप, 22,000 क्विंटल तुलाई करने के बाद भी नहीं मिला है पैसा। पैसा मिलने के बाद ही की जाएगी ट्रॉलियों की तुलाई। इस दौरान बरसात होने से किसानों का हो सकता है लाखों का नुकसान। बालाघाट जिले के ग्राम भरवेली में एक निगरानी बदमाश की निशंस हत्या अज्ञात आरोपियों ने कर दी है। भरवेली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाद उर्फ छोटू ग्राम भरवेली के उड़िया मोहल्ले में रहता था, जो गत रात अपने एक साथी के संग घर के पीछे आंगन में सोया था। रात तकरीबन 11 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उसके चेहरे, गले और सीने पर वार कर उसकी निशंस हत्या कर दी और फरार हो गया। खबर दतिया से मिल रही है, जहां दतिया के इंदरगढ़ में मास्क चालानी कार्यवाही की गई। सुबह से ही तहसीलदार दीपक यादव और मुख्य नगर परिषद अधिकारी विजय बहादुर बाल्मीकि थाना इंदरगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर बगैर मास्क लगाए हुए लोगों पर 50 रुपए का चालान काटे। वहीं बगैर मास्क लगाए हुए दुकानदारों पर 200 रुपए के हिसाब से चालान काटे गए और समझाइश दी गई कि अगली बार बगैर मास्क के दुकानदार मिला तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर स्टेडियम में लगने वाले सब्जी मंडी के दुकानदारों ने सुनवाई आप बीती। उन्होंने कहा कि सब्जी विक्रेताओं का स्थायी समाधान किया जाए। खबर डबरा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। अता सिंह उर्फ कल्लू कुशवाहा पुत्र मंगूराम उम्र 40 वर्ष निवासी धवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 14 जून को होनी थी बेटी की शादी। रात्रि के समय खेत पर पानी देने गया था युवक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम हाउस के लिए भेजा है। पिछोर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पिछोर से हेमंत पंडा के साथ डबरा से सुनील रजावत की रिपोर्ट। आज रात की शाम से 11 बजे गई थी और सुबह पता पड़ा पापा अभी तक नहीं आए। और क्या कहते हमारे ताऊ के लड़े थे सुबह देखने, तो पापा की मौत पड़ी थी डीपी के नीचे। तो देखा इधर बहन की शादी आने वाली थी 14 जून तक। हाँ, चिनोद थाना परिसर के आगे लगी डीपी दो दिन पहले खराब हुई, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा डीपी को सोमवार दिन सुधारने का प्रयास किया गया। जब नहीं सुधरी तब डीपी को उतार लिया गया और दूसरी डीपी आने का इंतजार किया गया। इधर डीपी पुकी फूकी होने की वजह से नल जल योजना की मोटर हुई बंद, जिसमें नल सप्लाई नहीं हो सकी। इस वजह से थाने तरफ के रहवासियों को पानी भरने के लिए ठेले पर बर्तन रखकर 1 किलोमीटर दूर लगे हैंडपंपों पर मजबूर जाना पड़ रहा है। खबर डबरा से है, जहां ग्वालियर जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। डबरा तहसील का रहने वाला मृतक गंगाराम उम्र 80 साल है। 9 मई को सैंपल लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जांच रिपोर्ट में मृतक आया कोरोना पॉजिटिव। डबरा प्रशासन ने कॉलोनी को सैनिटाइज किया है। मृतक के निवास से 1 किलोमीटर के दायरे में आने जाने पर रोक लगाई गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। डबरा तहसील का रहने वाला मृतक गंगाराम उम्र 80 साल का है। 9 मई को सैंपल लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहीं जांच रिपोर्ट में मृतक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आज ग्वालियर में 80 साल के बुजुर्ग डबरा के जो निवासी थे, उनकी डेथ हो गई है। उनको पहले से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ और इस प्रकार से बीमारियां थी, और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है। तो वो 9 तारीख को शाम को हमारे जेएच में भर्ती हुए थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में आज उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो हम एरिया को कंटेनमेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और उनको संक्रमण जहां से भी सोर्स है, चाहे उनका जहां भी बाहर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था वहां भी बात कर रहे हैं। तो उस एरिया को जो है कंटेनमेंट करके सील्ड किया जा रहा है। खबर छीमक से है, जहां छीमक पंचायत में आज मंगलवार की दोपहर 1:30 पर नायब तहसीलदार पूजा मांबई के
द्वारा 9 पंचायतों के सचिव और पटवारियों की बैठक ली गई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता से लोगों की जानकारी जुटाने के विषय में कहा गया कि 9 पंचायतों को सचिव अपनी पंचायत की जानकारी लेके ही कौन कहां से आया है और इसके विषय में स्वास्थ्य विभाग एवं तहसील द्वारा पुलिस विभाग को तुरंत सूचित करें और लोगों की जांच करवाएं। और उसके बाद नायब तहसीलदार पूजा मांबई ने बस स्टैंड पर खुली जूस की दुकानों को बंद कराया। उसके बाद चीमक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगी भीड़ को हटवाया, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को कहा और सभी लोगों को एक एक मीटर की दूरी की लाइन लगवाई और दूरी के साथ साथ मुंह पर मास्क और गमछे भी लगवाए। चीमक से संवाददाता बीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। खबर डबरा से है, जहां कोरोना जैसी महामारी से शहर को बचाने के लिए युवा समाज सेवी चिंटू तोमर और मित्र मंडल और समाज सेवी संगठनों ने शहर को किया सैनिटाइज। शहर को सैनिटाइज करने के साथ साथ समाज सेवी संगठनों ने सिविल हॉस्पिटल डबरा की सभी विभागों के भवनों को भी सैनिटाइज किया है। सार्वजनिक शौचालय और शहर की प्राइवेट दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। जब मीडिया ने समाज सेवी चिंटू तोमर से बात की तो उनका कहना था कि हमारा प्रयास है कि हम संपूर्ण शहर को कोरोना जैसी महामारी से शहर को बचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम लक्ष्य संपूर्ण शहर को सैनिटाइज करना है और ये प्रयास निरंतर आगे भी जारी रहेगा। चिनोर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरीद केंद्र करहिया पर 300 किसानों से 60,000 कुंटल खरीदी करना है। आज तक 20,000 कुंटल खरीद हो चुकी है। इधर दुभा खरीद केंद्र पर 210 किसानों से 50,000 कुंटल खरीदी करना है। आज तक 19,000 कुंटल खरीद हो चुकी है, फिर भी किसानों को अपने गेहूं तुलने के लिए 4 से 5 दिन तक रुकना पड़ रहा है। इंतजार दोनों सेंटरों पर गेहूं से भरी 200 के लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।